हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड का एक्सरसाइज। तो आज से हम देखेंगे 11 बायोलॉजी के वीडियोस भी। इससे पहले मैं सिर्फ 11 इंग्लिश के वीडियोस बना रहा था, लेकिन आज से हम 11 बायोलॉजी के वीडियोस भी बनाएंगे, यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो आज देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज। सबसे पहले देखते हैं MCQ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है MCQ में, विच इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग, यानी कि जो सजीव हैं लिविंग थिंग्स हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी नहीं शो करते। वैसे तो ये सारी प्रॉपर्टी लिविंग बींग में होती है, लेकिन जो सबसे करेक्ट आंसर आएगा वो है डी के। देखो, मेटाबॉलिज्म होता है यानी कि शरीर के अंदर की केमिकल प्रोसेस, ग्रोथ यानी कि शरीर का बढ़ना, रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन करना, अपने जैसा दूसरा एक ऑफस्प्रिंग पैदा करना, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, सो इसमें से डी के क्यों आएगा? डी के भी तो होता ही है, डी के यानी कि ख़त्म होना शरीर का, शरीर मरता भी है। तो ए यहाँ पर क्यों ऑप्शन है? देखो, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये जब आदमी जिंदा रहता है तभी होता है, डी के यानी कि उसके मरने के बाद होता है, उसके मरने के बाद ही उसका शरीर सड़ता है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बी, डी के। ये देखा जाए तो चारों ऑप्शन ही सही है, लेकिन सबसे जो करेक्ट आंसर है वो है डी के। दूसरा MCQ देखो क्या है, यहाँ पर पूछा गया है कि एक प्लांट है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन में उगता है, पूरे साल भर नहीं उगता। तो ऐसे प्लांट को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं बच्चों को दिखाने के लिए, लेबोरेटरी में कैसे इसे रख सकते हैं? तो इसका आ जाएगा हर्बेरियम। हर्बेरियम एक प्लांट से जुड़ा हुआ है, म्यूजियम हो गया, बोटानिकल गार्डन हो गया, फ्लावर एग्जीबिशन हो गया, ये दोनों, ये तीनों अलग है। हर्बेरियम में हम किसी एक पर्टिकुलर प्लांट को रखते हैं जो बहुत ही रेयर होता है। आगे देखते हैं सी, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फाउंड टू कॉकरोचेस इन द क्लासरूम, दे हैड अ डिबेट वेदर दे आर अलाइव और डेड, विच लाइफ प्रॉपर्टी विल हेल्प देम टू डू सो। सो देखो, कुछ जो बच्चे हैं क्लास में, उन्हें दो कॉकरोच मिलते हैं, तो उनमें से आधे बच्चे कहते हैं कि ये कॉकरोच जिंदा है और आधे कहते हैं कि नहीं, ये कॉकरोच मरे हुए हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा एक प्रोसेस है, कैसा, इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो कॉकरोच जिंदा है या फिर नहीं? सो इसका सिंपली आ जाएगा इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी होता है यानी कि उत्तेजना। देखो, अगर आपको कोई टच करेगा आपके स्किन पे तो आपको कुछ ऐसा फील होता है ना, या फिर अगर आपको कोई ज़ोर से एक झापड़ मारेगा तो आप दूर जाओगे, ठीक है, आपको बहुत ही दर्द होगा। तो वैसे ही अगर वो कॉकरोच जिंदा होगा तो उसे टच करने पे वो आगे भागेगा या फिर उड़ने की कोशिश करेगा, वो हटेगा। अगर वो मरा हुआ होगा तो टच करने पे वो रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो इसका आ जाएगा सिंपली इरिटेबिलिटी। आगे देखते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो देखो, इसका आंसर है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बोटानिकल गार्डन, देखो बोटानिकल यानी कि बोटोनी, बोटोनी होता है बायोलॉजी में, बोटोनी मतलब होता है प्लांट से जुड़ी हुई चीज़। जूलॉजिकल पार्क यानी कि जूलॉजी, जूलॉजी मतलब एनिमल से जुड़ी हुई चीज़। तो सिंपली बोटानिकल मतलब जहाँ पे प्लांट होता है, जूलॉजिकल पार्क यानी कि जहाँ पर एनिमल्स होते हैं, और बायोडाइवर्सिटी पार्क में दोनों चीज़ होते हैं, प्लांट भी होते हैं एनिमल भी होते हैं। तो इसका आंसर है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो गाइस, आपकी जो क्लासेस है वो ऑफलाइन मोड में ओपन हो चुकी है, एंड आई होप आप बहुत ही अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे आप अपनी आने वाली एग्ज़ाम के लिए। आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी बैचेस अनअकैडमी पहले ही लेकर आ चुका है, रिवीजन बैचेस लेकर आया है, और अबर अकेडमी उन बैचेस पर लेकर आया है ट्रिपल धमाका ऑफर, जिसमें आपको देखो कुछ ऑफर्स मिलने वाली हैं। अगर आप 12 महीने का, 15 महीने का या फिर 18 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान एक्सेप्ट करते हो, खरीदते हो, तो आपको एक्स्ट्रा 4 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और साथ ही 4 महीने का क्रिएटिव कॉर्नर का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसमें आपको कुछ स्किल्स सिखाई जाएंगी, कैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, जो आपको औरों से आगे रखेंगी। वहीं अगर आप 24 महीने का, 36 महीने का या फिर 38 महीने का कोई भी प्लान एनरोल करते हो, 24, 36 या फिर 48 महीने का कोई भी प्लान एनरोल करते हो, तो आपको एक्स्ट्रा 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, और साथ ही 6 महीने का क्रिएटिव कॉर्नर का सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलेगा। और ये ऑफर जो है वो सिर्फ 18 अक्टूबर 2021 तक वैलिड है, पहले 500 स्टूडेंट के लिए। आप अपनी क्लास के हिसाब से, यानी कि आप 11th में हो तो लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एनरोल कर लेना, और एनरोल करते हो तो हमारा कोड यूज़ करना। इसका फ़ायदा क्या होगा? देखो, आपको लाइव क्लासेस में कितना भी एक्सेस होगा, आप एक प्लान से, एक प्लस सब्सक्रिप्शन से किस में भी एनरोल कर सकते हो, कभी भी देख सकते हो। आपको बेस्ट एडुकेटर पढ़ाने वाले हैं, आपके लिए टेस्ट होगा जिससे आप खुद को एनालाइज कर पाओगे, और साथ ही PDF प्रोवाइड किया जाएगा नोट्स का, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी आपके प्रिपरेशन में। तो एनरोल कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू गाइस। अगला क्वेश्चन है थर्ड, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। तो उसमें सबसे पहला है, जीजा माता उद्यान दी फेमस जू इन मुंबई हैज एक्लिमेटेड हम्बोल्ट पेंगुइन, व्हाई शुड पेंगुइन बी एक्लिमेटेड व्हेन केप्ट एट अ प्लेस अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। देखो, जैसा कि हम जानते हैं जो पेंगुइन होता है वो बर्फीले इलाकों में रहता है, तो मुंबई में एक जू है, ठीक है, चिड़ियाघर है जीजा माता उद्यान करके, तो वहाँ पर भी पेंगुइन को रखा जाता है, लेकिन एक खास वातावरण में, एक खास एनवायरनमेंट में, ठंडे एनवायरनमेंट में रखा जाता है, क्योंकि देखो ठंडे जगह का एनिमल है,
अगर हम उसे डायरेक्ट गर्म जगह पर रख देंगे तो वो मर जाएगा, इसलिए उसे खास जगह पर रखा जाता है। ये इसका आंसर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, रिया फाउंड पेक्यूलर प्लांट ऑन हर विजिट टू हिमाचल प्रदेश, व्हाट आर दी वेस्ट शी कैन शो इट टू हर बायोलॉजी टीचर एंड गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। तो देखो, जैसा कि मैंने बताया था, प्लांट से जुड़ा हुआ है, यानी कि हर्बेरियम, आप याद कर सकते हो, हर्बेरियम हर यानी कि हरा, हरा क्या होता है, पत्ता होता है, तो पेड़ आ जाएगा। तो उसे एक प्लांट मिला है, तो कैसे उसे वो प्रिजर्व करके अपने जगह पर जहाँ पर रहती है वहाँ ले जा सकती है अपने टीचर को दिखाने के लिए। तो इसका सिंपली मेथड हो जाएगा हर्बेरियम। हर्बेरियम यानी कि एक शीट में, ठीक है, एक प्लास्टिक के शीट में उसे रखा जाता है केमिकल लगा के, जिससे वो प्रिजर्व रहे पौधा, और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है कि किसने इसने कलेक्ट किया है, कहाँ से कलेक्ट किया, कब कलेक्ट किया। तो हर्बेरियम यानी कि प्लांट से जुड़ा हुआ, याद रखने का। थर्ड क्वेश्चन दिया है, इट अंडमान अथॉरिटी डू नॉट अलाउ टूरिस्ट टू कलेक्ट शेल फ्रॉम बीचेस, वाई इट मस्ट बी सो। तो देखो, जैसे कि पता है समुद्र में जो हम जाते हैं तो हमें बहुत सारे कावरी शेल्स हो गया तो वो मिलते हैं हमें पानी में, तो अंडमान में भी ऐसा होता है, लेकिन वहाँ से कोई भी जो चीज़ है कावरी शेल कोई उठा के ले नहीं जा सकता। क्योंकि देखो, सबसे पहला कारण तो है कि वो वहाँ के जो भी एनिमल्स होंगे उसके लिए ज़रूरी है, साथ ही वो सारी चीज़ें वहीं की प्रॉपर्टी है, उस पर कोई अधिकार नहीं कर सकता। तो ये इसका आंसर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद है चौथा, व्हाई डू वी हैव ग्रीन हाउस इन बोटानिकल गार्डन, इसका भी आंसर है आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन आगे देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम टर्म लाइक इन सीतू एंड एक्स सीतू कंजर्वेशन। इन सीतू यानी कि देखो, किसी एनिमल को बचाना उसके अपने ही घर में, यानी कि जैसे नेशनल फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, नेशनल फॉरेस्ट हो गया जहाँ पर जो भी एनिमल होते हैं उनको बचाया जाता है उनके खुद के घर में, यानी कि जहाँ पर वो पाए जाते हैं नेचुरल हैबिटाट में वहीं पर उनको बचाया जाता है, तो वो हो गया इन सीतू। और एक्स सीतू यानी कि जूलॉजिकल पार्क हो गया, बोटानिकल गार्डन हो गया, जहाँ पर कहीं और से पेड़ पौधे एनिमल ला के वहाँ पर उसको रखते हैं, जो यानी कि एक्स सीतू कंजर्वेशन। सो ये इसका आंसर होगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। सो सबसे पहला है, रोल ऑफ ह्यूमन बींग इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। देखो, हमारी इस धरती पर सिर्फ हम नहीं रहते हैं, सिर्फ पेड़ पौधे नहीं हैं, बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जानवर हैं। ज़मीन पर कोई जानवर रहता है, कोई हवा पर रहता है, तो कोई समुद्र में रहता है। तो हमारा रोल क्या है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, ये आपको लिखना है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, ले लेना स्क्रीनशॉट। देन अगला है, इंपॉर्टेंस ऑफ बोटानिकल गार्डन। तो बोटानिकल गार्डन का यानी कि जहाँ पर सिर्फ पेड़ पौधों को रखा जाता है। देखो, बोटानिकल गार्डन यानी कि बोटोनी, बोटोनी यानी कि बायोलॉजी का पार्ट वन यानी कि पेड़ पौधों वाला, और जूलॉजिकल गार्डन यानी कि जूलॉजी पार्ट टू यानी कि एनिमल्स वाला, याद रखने का। तो इसका आंसर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन अगला है, हाउ कैन यू एज एन इंडिविजुअल प्रिवेंट द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि आप अपने एक निजी तौर पर कैसे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर देखो, आप पेड़ पौधों को नहीं काटोगे, आप एक अपने मन में प्रण लो, शपथ लो कि मैं आज से पेड़ पौधों को नहीं काटूंगा, एक पौधा लगाऊंगा ही। तो ऐसे भी आप बायोडाइवर्सिटी को यानी कि इस धरती को बचा सकते हो। इसका आंसर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो बस गाइस, यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल बने रहिए। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए।